जी आज हमारे साथ हॉपस्कॉच के कुछ प्लेयर्स हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है कैब का जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। और हम स्टार्ट करते हैं अजमल से। अजमल वो बैटर हैं जिन्होंने ओवर में 5 छक्के लगाए हैं और इसके अलावा इन्होंने मैच की पहली बॉल पे जो है वो प्लेयर को बोल्ड किया है। जी अजमल जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आपसे जैसे पहले भी अर्ज़ किया था कि जो इनिशिएटिव आपने क्रिकेट टूर्नामेंट का किया है बहुत ज़बरदस्त है और बहुत बेहतरीन है। और इससे ये है कि एक तो आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाता है खेलने के लिए, दूसरा ये है कि टैलेंट सामने आ जाता है और एक बेस्ट एक्टिविटी हो जाती है फिज़िकल तमाम ब्रांड्स के लिए। जैसे आप लोगों को पता कि हमें ब्रांड्स में खेलने का मौका ज़्यादा नहीं मिलता, हमारी ड्यूटीज़ इस तरह की हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। थैंक यू जी। फैसल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छा एक्टिविटी है रिटेल के लोगों के लिए, क्योंकि रिटेल के लोगों के लिए बहुत कम एक्टिविटी अवेल होती हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है और इंशाल्लाह हम इसे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और इसे विन भी करेंगे। जी आमिर जी। सर सबसे पहले ये आज ये बताएं मैच कौन जीतेगा? मैच इंशाल्लाह हम जीतेंगे। आप जीतेंगे और मैन ऑफ द मैच कौन होगा? मैन ऑफ द मैच अजमल भाई होंगे। अच्छा सही है। चलिए आप बताएं, आप क्या बता रहे थे? मैं बता रहा था कि ये सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिससे कोई दूसरे बंदे भी सीख रहे हैं जो जूनियर हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए और हमें मौका मिलना चाहिए कि आगे ये साल में कितनी दफ़ा होना चाहिए? ये साल में 2-3 दफ़ा तो होना चाहिए, सीज़न वाइज होना चाहिए। सही है जी। ये भी आमर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ज़्यादा जैसे कि सारे भाइयों ने बात की, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, स्पेशली आपकी तरफ से फास साहब, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है माशाल्लाह। मतलब सब ब्रांड्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, एक ब्रादराना माहौल के अंदर हम लोग खेले हैं, सबसे इंट्रोडक्शन भी हुआ हम सबका रिटेल में रहते हुए। ये बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है हम लोगों के लिए, हम लोग फिज़िकली भी बहुत इससे थोड़ा सा बिल्डअप हो सकते हैं और दूसरा ये कि एक PR बन जाती है सबकी मार्केट में रहते हुए कि हम लोग एक दूसरे डिफरेंट ब्रांड्स के लोगों को पहचान सकते हैं। किस आपने सारे मैचेस देखे? जी बिल्कुल। ऐसी आपको किस प्लेयर की परफॉर्मेंस ने इम्प्रेस किया? सर हॉपस्कॉच में तो डेफिनेटली बात है अजमल साहब सबसे बेस्ट थे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके अलावा क्रॉसेस से एक उमर साहब थे, उन्होंने साजिद साहब एग्जैक्टली मोहम्मद साजिद थे, राइट हैंड बैट्समैन थे, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और वो मतलब आउटस्टैंडिंग थे वो। उसके अलावा बाकी प्लेयर्स भी बहुत अच्छा खेलते रहे, लेकिन चूंकि आपको पता है 6 ओवर का मैच है, लिमिटेड बॉल्स मिलती हैं उसके अंदर, तो कोशिश ये होती है कि हिट करें या आउट हो जाएं या फिर फाइनल में किसको देखते हैं? इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल तो हॉपस्कॉच को तो देखेंगे। मुझे ये है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग क्रॉसेस के साथ लाजमी फाइनल खेलेंगे। स्ट्रॉन्ग टीम, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आज जो कैब का सेकेंड राउंड का लास्ट मैच है हॉपस्कॉच और करिश्मा के बीच में, तो लकली दोनों के जो HR मैनेजर हैं ये अवेलेबल हैं, तो हम इनसे गपशप करते हैं कि इनका इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना है। आफ्ताब से हम स्टार्ट करते हैं। जी आफ्ताब, ग्रेट एफर्ट, आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म से हम सब मिलके खेल रहे हैं। खेलना तो चलो एक फ़न है, वो तो हम इन्जॉय कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ सोशलाइजेशन हम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हमें लग रहा है जैसे हम रिटेल एक फैमिली हैं, तो जैसे फैमिली गेट टुगेदर होता है, लोग आते हैं मिलते हैं, तो हमें इतना मज़ा आ रहा है। आपको किसकी परफॉर्मेंस इम्प्रेस किया अभी तक? जो है क्रॉसिस के जो आपके साजिद साहब हैं उन्होंने काफ़ी इम्प्रेस किया है, स्टाइलो की टीम के लड़के काफ़ी अच्छे हैं और हमारी टीम एक अजमल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आज मैंने इन डिटेल इनका मैच भी देखा है करिश्मा का, एंड आई हैव सीन देयर बॉलिंग is good और बैटिंग साइड भी ठीक है, तो इंशाल्लाह आज कौन जीत रहा है? सर इंशाल्लाह हॉपस्कॉच जीतेगा, हमारी पूरी दुआ। फाइनल कौन जीतेगा? फाइनल भी इंशाल्लाह हॉपस्कॉच जीतेगा। जी अली, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं होने देंगे हमें इंशाल्लाह। हम पूरी एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह अपनी, कि जैसे हमने लास्ट टूर्नामेंट में क्रॉसिस को जो है वो 3-0 से हराया था, वो पुरानी बात हो गई है। और कहते हराया, क्रॉसिस के मेन पे बीमार था, मैंने कहते हराया था ये भी बताया है। तो इंशाल्लाह इस दफा भी कोशिश होगी कि आगे तक चलें, ये भी मैच जो है विन करें, सेमीफाइनल भी विन करें और फाइनल लाजमी खेलें इंशाल्लाह। और अली, आपको किसकी परफॉर्मेंस ने इम्प्रेस किया? मैंने ऑब्वियसली क्रॉसिस जो है वो उसका काफ़ी अभी तक सुना है और हॉपस्कॉच का भी काफ़ी सुना है जिनके साथ आज हमारा मैच है, तो टीम तो दोनों टफ लग रही हैं, बाकी इंशाल्लाह हम कर लेंगे, अगर किसी और के साथ सेमीफाइनल होता है तो वो बाकी कर लेंगे। चले जी, ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। लेकिन डर पहले ही है यार, मेरी बात सुने भाई, आप HR वाले हैं, कोई सेटलमेंट कर लें, कोई मिल कर सेटलमेंट का ऑप्शन दी है। अच्छा, बट ये कह रहे हैं उसके लिए क्लियरेंस जरूरी है। चले ग्रेट, थैंक यू।